दोस्तों, अगर आप 8.5 से 9 लाख रुपए के बजट के अंदर एक देश के लोहे की बनी गाड़ी यानी के टाटा नेक्सॉन परचेस करने का प्लान करते हैं, तो इस बजट के अंदर टाटा नेक्सॉन का जो बेस मॉडल एक्सी है वो बिल्कुल ही परफेक्टली फिट होता है। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल एक्सी, जिसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 7,80,000 रुपीज का, और ये ऑन रोड कॉस्ट आपको करीब करीब 8.5 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नेक्सॉन का जो बेस मॉडल है एक्सी वाला, ये आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या प्राइस रेंज आती है, ऑप्शन कौन कौन से मिल जाते हैं, इस तरीके से सारी कुछ जो डिटेल है इस कार के बारे में वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस कार के फ्रंट व्यू की और आपको बताते हैं कि फ्रंट से क्या क्या फीचर्स जो है नेक्सॉन आपको ऑफर कर देती है। तो सामने से आप इस कार का लुक चेक कर सकते हो, तो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टर टाइप इसके जो हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं, डियरल्स मिल जाते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलता, इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो रखी गई है। बाकी लोअर पोर्शन आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाता है बम्पर पे। बात करते हैं अगर इस कार के साइड प्रोफाइल की दोस्तों, तो कंप्लीट साइड प्रोफाइल आप एक फ्रेम में यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेंथ की बात करते हैं तो 3,993 mm की जो लेंथ है वो आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। और जो लुक है सामने से आप इसको चेक कर चुके हो, इस मॉडल के अंदर आपको जो है वो स्टील लिम्स मिल जाए हैं कुछ इस तरीके से, वो आप इसको चेक कर लीजिए। व्हील कवर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलते, हाफ यहाँ पे जो व्हील हब है वो आपको जरूर से दिया जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स दी गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आते हो तो को ड्राइवर साइड वाले पोर्शन के ऊपर आपको यहाँ पे फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन, यहाँ पे देखें तो ब्लैक कलर के आपको जो आउटसाइड डोर हैंडल है वो मिल जाते हैं, और ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे जो क्लैडिंग वाला पार्ट है ये कंप्लीट इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर लीजिए, 209 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है नेक्सॉन अपनी जो है वो ऑफर करती है, और इस सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतरीन रहती है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसके आते हैं ब्लैक कलर के, यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। और बेस मॉडल से ही जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको मिल जाता है, और एडजस्ट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको इंटरनली यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ फोल्ड अनफोल्ड इसको जो है मैन्युअली आपको हाथ से ही करना होता है। ये बात हो गई कंप्लीट साइड प्रोफाइल की। रूफ रेल वगैरह जो है वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलता है। रियर में आप देखें तो अपना जो स्पॉइलर वाला पार्ट है ये आप चेक कर लीजिए, इस पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है। विंड स्क्रीन प्लेन है, वाइपर वॉशर डिफॉगर वगैरह नहीं मिलते, लेकिन हाँ रियर के जो टेल लैंप्स हैं वो आपको मिल जाते हैं इसके अंदर एलईडी वाले, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अपना कंप्लीट ये पोर्शन टाटा का लोगो है और पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ आता है, नेक्सॉन की बैजिंग है। और लोअर पोर्शन पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट चेक कर लीजिए किस तरीके का ब्लैक कलर का बंपर मिल जाता है। दो अपने यहाँ पे पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो भी दिए गए हैं। अब इस कार का बूट कैसे ओपन होगा अगर हम उसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको कोई भी की इंसर्ट का जो पॉइंट है वो नहीं मिलता है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा ड्राइवर साइड अपने यहाँ पे आइए, और अपने जो सेंटर कंसोल है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बटन, इसको जब आप प्रेस करोगे तो जो इसका बूट है वो रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, तो बूट ओपन हो चुका है, सिर्फ आपने इसको रिलीज करना है कुछ इस तरीके से। और आपके सामने है 350 liters का बूट स्पेस, जो कि काफी अच्छा है अकॉर्डिंग टू सब फोर कॉम्पैक्ट SUVs के हिसाब से काफी बेहतरीन मिल जाता है। यहाँ पे अपनी 3-3 किलो की कैपेसिटी के साथ हुक्स भी दिए गए हैं। इसके ऊपर पार्शल ट्रे नहीं मिलती, लेकिन आप लगवा सकते हो, इसके ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज के तौर पे। और यहाँ पे नीचे तरफ स्टेपनी टायर जो है वो प्लेस किया गया है। टायर सेक्शन है 195/60R16 का, तो 16 इंच के प्रोफाइल के साथ है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है पंक्चर किट, जो कि काफी अच्छी चीज है जो टाटा ऑफर कर देती है। तो बूट स्पेस आपने यहाँ पे चेक कर लिया है। आप चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या क्या चीजें जो है इस कार के अंदर मिल जाती हैं। रही बात इसकी चाबी की दोस्तों, तो इसकी की जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल सी बेसिक जो की है वो आपको देखने को मिल जाती है इस वाले मॉडल के अंदर। और अभी जो है सारे डोर जो है वो ओपन है। एक बार मैं आपको एक चीज करके देखता हूँ कि किस तरीके का आपको इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने डोर लॉक कर दिया, ये लॉक है, तो आपका जो पीछे डोर है वो ओपन रहेगा, यानी कि आपको जो है सारे डोर जो है मैन्युअली अंदर से लॉक करने होंगे। उसके बाद आप ड्राइवर साइड वाला जो डोर है वो यहाँ पे लॉक करोगे तो गाड़ी जो है अपनी लॉक हो जाएगी। सेंटर लॉकिंग आपको इस वाले मॉडल के अंदर नहीं मिलती है, सेंटर लॉकिंग आपको जो है वो लगवानी होगी। तो भाई यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आप कार का कंप्लीट जो इंटीरियर है वो देख सकते हो। कंप्लीट इंटीरियर आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिल जाता है, और इसके यहाँ पे कंप्लीट ये जो पोर्शन है डैशबोर्ड लेआउट के ऊपर वो आपको सिल्वरिश फिनिश जो है वो देखने को मिल जाता है। डोर पैनल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो इनसाइड डोर हैंडल है ब्लैक कलर में मिल जाता है। मिरर को आपको मैं बता चुका हूँ, ये पोर्शन सिल्वर फिनिश के साथ है। आगे की आपको दो पावर विंडोज जो है वो मिल जाती है, रियर वाली जो रहती है वो मैनुअल ही रहती है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए तो रियर वाली जो है अपनी मैनुअल है, आगे की दो पावर विंडोज जो है वो आपको मिल जाती है अपनी
नीचे आते हैं तो यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है, स्पेस दिया गया है, स्पीकर नहीं आता लेकिन प्रोविजन है, आप लगवा सकते हैं। बाकी आते हैं अंदर बैठते हैं और आपको दिखाते हैं अदर फीचर्स। तो ये कंप्लीट आप चेक कर लीजिए। स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट शेप के साथ वाला जो है वो मिल जाता है, काफी बढ़िया। प्यानो ब्लैक का फिनिश ये आपको दिया गया है। और अच्छी चीज ये है कि इस स्टीयरिंग व्हील को आप बेस मॉडल है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो मिल जाता है, कुछ इस तरीके से टिल्ट एडजस्ट आप कर सकते हैं यहाँ से इसके हेडलाइट को कंट्रोल, और यहाँ से इसका आप वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि बेस मॉडल के साथ ज्यादातर नाइंसाफी होती है लेकिन यहाँ पे नाइंसाफी नहीं है। टाटा के अंदर आप देखोगे तो बेस टू टॉप सभी मॉडल के अंदर नेक्सॉन के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको सेम मिलने वाला है। डिजिटल टाइप आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है कुछ इस तरीके से, जहां पे आपने देखा इस तरफ आपको मिल जाता है इसका आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है, वार्निंग वगैरह डोर हजार वार्निंग है इस तरीके से, और एवरेज वगैरह इसी तरीके से सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। वार्निंग वगैरह यहाँ पे दी गई है और अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस तरीके से। ये आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक बार ये भी दिखा देता हूँ, और अदर इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, इस तरीके की ऑटो वगैरह की सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी दोस्तों अगर अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो अपना जो यहाँ पे एसी वेंट है इसके सराउंड में प्यानो ब्लैक का इंसर्ट मिल जाता है, नीचे कुछ स्पेस दिया गया है, हुड रिलीज के लिए लीवर मिल जाता है, तीन पैडल मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो अपना एक्सी मॉडल है ये सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, इसमें आपको एएमटी का ऑप्शन नहीं मिलता। एएमटी अगर आपको चाहिए यानी कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आपको चाहिए तो आपको जो है इसके अपर मॉडल की तरफ जाना होगा। एक्सएम में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है, एक्सएम ए के नाम से आता है, यहाँ से आप इसके जो फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप क्योंकि बेस मॉडल है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कमियां तो मिलती हैं, तो म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो अपना एसी वेंट्स यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, वार्निंग हैजार्ड लाइट स्विच जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे मैनुअल एसी विद हीटर के साथ दिया गया है, बूट रिलीज करने के लिए आपको बटन में दिखा चुका हूँ। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाता है। इसी तरीके से गियर लीवर आप देख लीजिए तो 6 स्पीड का आपको यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो कि एक प्लस पॉइंट है। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, नई कॉम्पिटिशन के अंदर आपको 5 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है वही दिया जाता है। और इसके अंदर आपको 3 जो अपने मोड्स हैं वो भी मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही। और कैसे पता चलेगा कौन से मोड में आपकी गाड़ी चल रही है तो आप यहाँ पे आइए, जैसे ही आप यहाँ पे चेक करिएगा यहाँ पे अपना स्पोर्ट लिखा हुआ आ रहा है तो स्पोर्ट मोड में है। इसका डायल में घुमा देता हूँ तो यहाँ पे अपना सिटी मोड पे हो चुका है, एक बार फिर घुमा दिया तो ये अपना इको मोड पे। तो 3 मोड जो है ये अपना रहने वाला है। इसी तरीके से पार्किंग ब्रेक लीवर अपना पियानो ब्लैक के फिनिश के साथ है। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स और यहाँ पे आपको कुछ जगह जो है वो मिल जाती है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आप मिसिंग पाओगे लेकिन आप उसको लगवा सकते हो, प्रोविजन पूरा पूरा आपको मिल जाता है। ऊपर देखोगे तो ड्राइवर साइड सनवाइजर है, उसमें आपको टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर नॉर्मल टाइप का है, इसको आपको डेनाइट एडजस्ट करने में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपको एलईडी वाले बेसिकली आपको यहाँ पे जो है इससे कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं, सनग्लास होल्डर दिया गया है, ये अपना है को ड्राइवर साइड सनवाइजर जिसमें वैनिटी मीटर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल दिया गया है कोलैप्सिबल टाइप का, और यहाँ से इसका जो ग्लोव बॉक्स है वो ओपन कर सकते हो। काफी डीप अपना जो ग्लोव बॉक्स है वो आपको यहाँ से वहां तक देखने को मिल जाता है, यहाँ आप चेक कर सकते हो काफी डीप जो है वो दिया गया है। सीट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए सीट का किस तरीके का आपको जो पोर्शन है वो देखने को मिल जाता है। फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री आपको दी गई है, हेडरेस्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल टाइप के, यहाँ से सेट कर सकते हो इसके बैक एंगल्स को यानी कि डिक्लाइन कर सकते हो, और फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो ऑप्शन है वो आपको आगे की तरफ दिया गया है। तो ये बात हो गई इसके फ्रंट पोर्शन की। अब आते हैं एक बार इसके सेकंड रो के अंदर और आपको यहाँ से दिखाते हैं क्या क्या चीजें जो है वो मिल जाती है। तो ये अपना डोर की ओपनिंग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की डोर हैंडल मिल जाता है, अपना सिल्वर फिनिश है, प्लास्टिक फिनिश दिया गया है, चाइल्ड लॉक का फीचर दिया गया है, इस तरीके से दिया कि विंडोज मैनुअली ऑपरेट करनी होती है। यहाँ पे आप देखो तो बॉटल होल्डर वगैरह की स्पेस और स्पीकर के लिए जगह जरूर से दी जाती है। बाकी यहाँ पे देखोगे तो रियर में आपको कोई एसी वेंट वगैरह जो है वो नहीं मिलता, कुछ इतना स्पेस वगैरह मिल जाता है। और रियर सीट आप देखेंगे तो आपको ये भी कंप्लीट जो है फैब्रिक फिनिश के साथ है। हेडरेस्ट जो है इसके अंदर फिक्स टाइप के ही दिए जाते हैं। थाई सपोर्ट आपको काफी बेहतरीन वाला मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये आप देखें तो काफी अच्छा आपको जो इसका थाई सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और पूरा सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिला है 5'8" के हाइट के हिसाब से, मैं अपना देख सकते हो किस तरीके का है। लेग रूम भी बिल्कुल प्रॉपर है तो जगह की कमी नहीं है, जगह काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपना हुक जो है वो भी दिया गया है इस तरफ और इस तरफ भी, तो हुक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है, तो ये सारा कुछ दिखा चुका मैं आपको। बाकी सेंटर में बैठने वाले बंदे को थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि इसके अंदर आपको जो है कुछ इस तरीके का जो हम टाइप देखने को मिल जाता है। फ्लैट जो है वो आपको नहीं मिलता, फ्लैट जो है वो अपना पंच में इंट्रोड्यूस किया गया है फ्लैट फ्लोर, तो वो काफी अच्छा है, यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस कार के अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन आपको 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। बात करें अगर सेफ्टी की दोस्तों तो नेक्सॉन की सेफ्टी ही इसका यूएसपी है। टाटा नेक्सॉन ग्लोबल एनकैप 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कार है और इस कार के अंदर आपको सभी बेसिक फीचर्स जैसे कि डुअल फ्रंट एयरबैग, एबीएस ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट,
हिल होल कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आइसोफिक चाइल्ड सीट और इसी तरीके के जितने भी सेफ्टी फीचर्स बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं वो सारे कुछ आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों इस कार के अंदर मिलने वाले कलर ऑप्शंस और प्राइस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।